हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, हु इज द कंडक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन जो परेड होता है वो होता है मजिस्ट्रेट का। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ देखते चलना है और कॉन्सेंट्रेट करना है पूरे क्वेश्चन पर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा से संबंधित है। इसका आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 10 होगा इसका आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, पहचान कार्यवाही है। पहचान कार्यवाही है वो आप देख सकते हैं ए, यानी कि संपोषक साक्ष्य जो होंगे वो पहचान कार्यवाही है। आप देखेंगे फोर्थ का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो प्रारूप है वो सर जेम्स स्टीफन ने किया था। सर जेम्स स्टीफन थे। ओके जी, अब देखते हैं आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य 1872 की निम्न में से कौन सी धारा रेस जेस्ट का सिद्धांत निहित है। रेस जेस्ट का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, देख लेते हैं। इसमें जो है वो है धारा जो सेक्शन सिक्स इज द राइट आंसर। ओके जी, अब देखते हैं निम्नलिखित वादों में से कौन सा मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका आंसर होगा बी, यानी कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला। ओके जी, निम्नलिखित में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य से आधार पर निर्णय हुआ था। ये जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो आंसर है वो होगा ए। ए होगा पलविंदर बनाम पंजाब राज्य। ओके, पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति है। देखिए पुलिस की यह ए कॉन्फिडेंशन और मेड वाइल द कस्टडी ऑफ पुलिस इज। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी, नेडमिसेबल। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद जो संबंधित है वो है आपका संस्वीकृति से। किससे? संस्वीकृति से, कॉन्फेशन से। ओके, परविंदर बनाम पंजाब राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये अभी आपने किया था क्वेश्चन, जो है इसका आंसर है संस्वीकृति, अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे आप, 11 का जो आंसर है वो है आपका लेक्स फोरी। साक्ष्य विधि है लेक्स फोरी। अच्छा, साक्ष्य का अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, इस पर हम बात देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो होगा सी। क्या होगा? सी, न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों के लिए। ओके, साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत है, साक्ष्य के जो है अधिनियम के अंतर्गत है वो है प्रक्रिया विधि। क्या है? प्रक्रिया विधि। ओके जी, 14 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है वो है सी, यानी ए एंड बी। केवल जो है दोनों के दोनों ओनली जो है इसमें सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों होगा। कौन सा साक्ष्य ग्रहण नहीं है? ओके, कौन सा साक्ष्य? 15 है, 15 का आंसर होगा सी, शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सा न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? तो देखिये, मध्यस्थ जो मीडिएटर जो होते हैं, हियरिंग बाई हियरिंग द इन फ्रंट ऑफ आर्बिटर या मीडिएटर कह सकते हैं, इनके समक्ष सुनवाई जो होती है वो आपका जो है साक्ष्य नहीं, सॉरी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। किसी व्यक्ति की ख्याति है वो कौन सी होती है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। बी यानी कि एक फैक्ट होता है, ब की हत्या करने का अभियुक्त अ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त तथ्य होगा वो आपको इस पर चर्चा करनी है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, आप देखिए अ का लाठी के खेत साथ खेत जाना, अ का पुलिस के पहुंचने से पहले गांव से भाग जाना, अ का घटना के उस समय पहले कहना कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। अ बाकी अभियुक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत तथ्य होता है। तो सुसंगत तथ्य की बात कर रहे हैं, तो सुसंगत तथ्य में आपका रिलीवेंट फैक्ट में ये सारे के सारे आते हैं, उपयुक्त सभी आते हैं। ओके
जी प्रोवेट न्यायालय का निर्णय है। प्रोवेट न्यायालय क्या है? ठीक है, प्रोवेट जो न्यायालय है उसका जो है एक व्यक्तिबंधी निर्णय होता है। जी 19 का बी इज द राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवक्त है, ओके प्रवक्त है। देखिए प्रवक्त कब हुआ था, इसका जो है 1 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, ये है ओके। प्राथमिक साक्ष्य परिभाषा है, प्राथमिक साक्ष्य कौन से किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन आता है 62, इसका सेक्शन 62 है। द्वितीय साक्ष्य की जो आप देखेंगे तो द्वितीय साक्ष्य जो है इसका जो सेक्शन है वो है आपका 62। द्वितीय साक्ष्य का सेक्शन है वो है 62 ओके। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद जो है अगर कोई आंसर आपको रॉन्ग लगता है, देखिए इसका आंसर 63 है, राइट 63 है, ये नहीं है आपका 63 है, इस पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है 63 है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? सबसे अच्छा साक्ष्य देखिए इसका जो है वो है आपका सी। क्या है? सी। एक सेकेंड रुकिएगा, दस्तावेज साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य ये है, तो इसमें जो है ए आंसर होगा, सी नहीं होगा भाई, ए होगा, दस्तावेज साक्ष्य होगा ओके जी। अब देखिए 24 में साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने का समर्थ होना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था ये देख लेते हैं, तो ये है दंड विधि संशोधन 2013 में जोड़ा गया था ओके जी। अब देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सह अपराधी की परिभाषा है, ओके किस सेक्शन में है वो देख लेते हैं। सेक्शन है आपका 133 ओके, सेक्शन है आपका 133 ओके जी। इसमें आप देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सूचक प्रश्न लगाया गया, वो है 141 ओके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य अवस्थाओं में दिया जाएगा, द्वितीय साक्ष्य अवस्थाओं में दिया जाएगा। देखिए न तो 5 है, न 7 है, न 10 है, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर ओके, डी इज द राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है, वो इनमें देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ओके, या आप देख सकते हैं दंड विधि संशोधन अधिनियम। तो ये है ए, सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत जो है अधिनियम जो है ये 2000 है, ये जोड़ा गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, वो किस सेक्शन में आता है वो देख लेते हैं, वो होगा 56 इज द राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सबूत का भार परिभाषित है, सबूत का भार जो है परिभाषित है वो है आपका 101 ओके जी। समाचार पत्रों में कहे गए तथ्यों की न्यायिक सूचना वो है देखिए धारा 81 के अंतर्गत लिया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य क्या है? मौखिक साक्ष्य जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ओके। अनुसूचित संस्थानों के प्राप्त साक्ष्य हैं, तो देखिए 33 का जो आंसर है वो है न्यायालय के विवेक अनुसार ग्राही हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, 1872 जिसका उल्लेख नहीं करता है वो है आपका द्वितीयक साक्ष्य। क्या? द्वितीयक साक्ष्य नहीं है ओके जी। आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र ऑल इंडिया रैंक 1973 SC 157 वाद संबंधित है, वाद संबंधित है, ये कौन सा है? 35 जो टेप रिकॉर्डर से था, टेप रिकॉर्डर से हुआ था इनका साक्ष्य ओके जी। न्यायिक रूप से अवश्यनीय तथा साबित करना आवश्यक नहीं है, इसका प्रावधान जो है साक्ष्य के अधिनियम में है, यानी कि किस सेक्शन के अंदर है वो देख लेते हैं, वो है आपका 56 में ओके। 56 में आता है सिविल मामलों के आरोप आचरण साबित करने के लिए सील विसंगति जो है
किसके अंदर आता है, देखिए 37 को अगर देखें तो 37 का आपका आंसर है 52, क्या है 52, ओके जी। तो देखें भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का प्रावधान राय के आधार पर कब सुसंगत किया गया था, सेक्शन 51 में आता है, ठीक है। भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें 167 है, कितनी है 167 है। भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 में धारा 53A में जोड़ा गया था, धारा इसमें जो है 53A में जो जोड़ा गया था वो है दंड विधि संशोधन, क्या दंड विधि संशोधन, ओके। पूर्व न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य विधि की निम्नलिखित की किस धारा से प्रावधित है वो देखेंगे, ये है सेक्शन 40, कितना सेक्शन 40। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय, न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है इसके ऊपर अगर हम देखें तो देखें सभी न्यायालय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति सिटी मजिस्ट्रेट एंड मध्यस्थ नहीं आता है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, कौन सा शब्द जो है वो धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, उसका जो है सुसंगति संस्वीकृति है, संस्वीकृति जो है ये जो है आपका परिभाषित नहीं है। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र देखें, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र है वो है साक्ष्य नहीं है, न्यायालय को जो दिया जाता है वो शपथ पत्र वो साक्ष्य नहीं है, एक साक्ष्य है एक सबूत है, केवल एक लिखित कथन है, केवल एक लिखित कथन है, क्या है केवल एक लिखित कथन है, जी। तो देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अगर हम बात करें तो वो दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। निम्नलिखित में से साक्ष्य के कौन प्रकार नहीं है, देखिए कौन सा जो है साक्ष्य का प्रकार नहीं है उसकी बात करेंगे तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं, और ये ओरल एंड ये भी होते हैं, लेकिन प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, ये नहीं होता, डी नहीं है इसमें, ओके। चलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार किसी तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है, तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है जब वह अनिश्चित हो वह न साबित हो जाए, वह न साबित हो जाए न साबित हो जाए, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बी कब तक नहीं होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार किसी तत्व को साबित नहीं कहा जा सकता जब तक वह साबित न साबित हो जाए, ओके जी। 48 को देखें, धातु पट या शिला का उत्कीर्ण लेख है, देखिए उत्कीर्ण लेख है तो इसके लिए जो है आपका एक दस्तावेज में आएगा, इसमें आएगा दस्तावेज में आएगा। 19 का देख लेते हैं, 19 का मैं फाइल फास्ट करता हूं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वजह से फास्ट करता हूं, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। 19 का ए रहेगा, ओके। 60 का आपका सी रहेगा, ओके। 60 का सी रहेगा, 61 का जो है आपका 61 का सॉरी 61 नहीं 51 है, ओके। 50 का आपका ये सी रहेगा, 51 का आपका डी रहेगा, क्या रहेगा डी रहेगा। भारतीय संघ अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ये सभी आते हैं, हेतु ससंगति तैयार आचरण और सुसंगत से सब जो है आते हैं, ओके जी। अत्यंत उपस्थित होने के लिए अभिभावक का देखिए ये अभिभावक का केस है, ये जो है इसका सी आंसर रहेगा, ओके। अब देखेंगे तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए, इसका जो आंसर है वो रहेगा ए। सिखाने परेड जो है, देखिए सिखाने जो परेड होती है यानी कि 54 को आप देखेंगे तो 54 का जो आंसर है वो रहेगा बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 में आता है। प्रश्न देखिए 55 को आप देखेंगे तो 55 का जो आंसर है वो रहेगा डी, पुलिस के समक्ष ए स्वीकृति, ओके।
56 को आप अगर देखेंगे तो 56 का जो आंसर है वो रहेगा डी, ओके। 57, 57 का जो आंसर है वो रहेगा सी, ओके। 58 का जो आंसर है वो रहेगा सी जी। अब आप देखेंगे 59 का जो आंसर है वो रहेगा सी, सुसंगत नहीं है। 60 का आंसर आप अगर देखेंगे तो वो रहेगा आपराधिक अधिकार बी, और 61 का जो आंसर आप देखेंगे वो रहेगा आशय ए, 62 का आंसर आप अगर आप देखेंगे तो वो रहेगा डी, ओके। 62 का आंसर रहेगा डी। 63 का आंसर आप देखेंगे तो वो रहेगा डी। 64 का आंसर आप देखेंगे तो वो रहेगा बी, 15। 65 का आंसर आप देखेंगे तो वो रहेगा बी, बी रहेगा, 64 हो गया, ओके। हाँ, 65 का आंसर जो है वो रहेगा बी। 66 का आंसर अगर आप देखते हैं तो वो रहेगा आपका मौखिक दस्तावेजी कथन, मौखिक एवं दस्तावेजी कथन दोनों होंगे, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, 67 को अगर आप देखते हैं तो वो रहेगा वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्वीकृति कौन कर सकता है, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो, ओके जी। 68 अगर आप देखेंगे तो 68 में है कानून तथ्य दोनों से स्वीकृति बंधनकारी है, देखिए, और पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है, यानी कि आप देखेंगे 69 तो 69 का जो है आपका मिलेगा साक्षी जो सत्य बोलने के इच्छुक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा बिना प्रतिकूल प्रभाव के दी गई स्वीकृति साक्ष्य के लिए ग्रहणीय है, तो इसमें जो धारा है सेक्शन है वो 70 का जो सेक्शन है वो होगा 24, ओके 24 होगा। 21 का अगर देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है, तो ये है आपका 71, तो इसका जो है सेक्शन होगा वो होगा 22A, ओके 22। अब 72 को देखेंगे, संस्वीकृति की परिभाषा प्रवासित भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, किस में दी गई है वो आप देख लेंगे, 72 का है आपका डी, यानी 24 में दिया गया है, ओके। भारतीय दंड संहिता, ये सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों में संबंधित नहीं है, कौन सी जो सेक्शन है वो आपराधिक मामलों में जो है आपका नहीं है वो है 23, ओके 23। निम्न में से कौन सा निर्णय प्राधिकार वान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है, देखें 74 को आप अगर देखेंगे तो वो है प्यारेलाल भावर बनाम राजस्थान राज्य, ओके। प्रिवी काउंसिल संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी, प्रिवी काउंसिल जो है स्वीकृति की जो परिभाषा दी गई थी अकबर बनाम एम्परर, ओके जी। न्याय के स्वीकृति का प्रावधान है, न्याय के रूप में स्वीकृति का प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 22 के अंतर्गत है, ओके जी। अब देखेंगे कि वह संस्वीकृति ग्रह जो अव्यक्त है, देखिए पुलिस अधिकारी की अविरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की गई हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत है, भारतीय जो है इसके धारा के अंतर्गत है वो है आपका सी 26, ओके। 79 का जो आंसर है, 79 का जो आंसर है वो है सी 17 रहेगा, ओके। 80 का जो आंसर है, 80 का जो आंसर है वो ए रहेगा, ओके जी। 81 का आप देखेंगे तो 81 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, 81 का जो आंसर है वो रहेगा डी। 82 का अगर देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 113 ए किस वर्ष जोड़ी गई, 113 ए जो जोड़ी गई थी, देखें 113 ए जो जोड़ी गई थी वो था आपका ईयर 1983, क्या था 1983 में जोड़ी गई थी, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है, तो वह है दस्तावेज की प्रमाणिक प्रतियां, दस्तावेज की जो अटेस्टेड होती हैं या सर्टिफाइड कह सकते हैं वो हैं आपकी जो है विविध विबंध का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य विधि की किस धारा में शामिल है, तो वो आप देखेंगे वो है आपका 115, ओके।
विबंध एक नियम है, विबंध एक नियम है, किसका नियम है? दीवानी की कार्यवाही का। ओके, दीवानी की कार्यवाही। अब देखेंगे इसमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विबंध प्रकारों में से नहीं है, तो अभिलेखों के द्वारा विबंध जो है वो इसके प्रकारों में नहीं है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है। देखिए इन दोनों का जो वाद है वो है आपका विबंध से है। निम्नलिखित में आदों में से कौन सा वाद विबंध पर है, देखिए कौन सा वाद विबंध पर है इसकी बात करेंगे, तो इसमें जो है पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर, ओके, कौन सा साक्ष्य नहीं दे सकता है, कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो देखिए साक्ष्य कौन नहीं दे सकता है, साक्ष्य तो वो देगा ना जो बोल पाता हो, तो यहाँ जो बोल नहीं पाता है वो साक्ष्य नहीं देगा, ओके, ये दे नहीं पाएगा। तो देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इसमें जो है मूक साक्षी है, मूक साक्षी की बात करें तो वो जो है सक्षम साक्षी ही होगा, मूक यानी कि अब यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट डंप विटनेस कौन है, तो वो सक्षम व्यक्ति ही होगा। ओके जी जी, अब देखें किस प्रकार की कार्यवाही में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है, सिविल एवं दांडिक दोनों में कार्यवाही में जो है जो पत्नी हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य लिखित भी होता है, दस्तावेजी भी होता है, मौखिक भी होता है, यानी कि उपयोग सभी होगा। विशेष अधिकारी दस्तावेज में क्या है, तो विशेष अधिकारी दस्तावेज में विभागीय जांच के कथन जो होते हैं वो होते हैं। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र सामूहिक है, तो इसके लिए जो सेक्शन है वो है 123। सेशल पीपल लैक्स सूत्र का अर्थ है, सेशल पीपल लैक्स इसका अर्थ है जनता का कल्याण सर्वोच्च है। ओके, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य के ग्राह्यता के बारे में निश्चित करेगा, यानी किस सेक्शन के अंतर्गत है वो देख लेते हैं, वो है 136। ओके, कौन सा है 136, साक्षियों से पहले की जाएगी क्या की जाएगी। देखें प्रतिपरीक्षा पुनः परीक्षा मुख्य परीक्षा की जाती है। ओके, साक्षी जो होते हैं, ठीक है, प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य होता है, प्रतिपरीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका साक्षी की विश्वसनीयता की जांच। ओके, साक्षी का पुनः परीक्षा की जाती है, साक्षी की पुनः परीक्षा जो की जाती है वो होती है दोनों, क्या होती है, प्रतिपक्षी द्वारा और पक्षकार द्वारा, दोनों द्वारा होती है। ओके, ये न्यायालय में, नेक्स्ट न्यायालय में पूछे गए किसी प्रश्न के संबंधित प्रश्नों के प्रतिपक्षी होते हैं, प्रतिपक्षी की बात करें तो वो केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार होता है। ओके, तो ये थे आपका लॉ ऑफ एविडेंस का पेपर, जिसका फुल सॉल्यूशन हमने दे दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर का था 2021 में, इसको यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी ने से लिया था, आगरा यूनिवर्सिटी है, DBRU उसने इसे अपने एग्जाम फॉर्मेट में लिया था। इसी तरीके के एग्जाम्स के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हम और भी अपने कंटेंट को और बेहतर बनाएं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और, अगर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, मिस्टेक मुझसे हो सकती है भाई, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन नेचर में हमेशा मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक्स को ही चेंज करके आप आगे बढ़ते हैं, एविडेंस आप दीजिएगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से बने रहिए और अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार, आगे भी हम मिलेंगे आपको नए पेपर के साथ किसी के साथ, तो थैंक यू फॉर की वॉचिंग।